हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल यू आर वेल एंड फाइन। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए पोएम दैट इज रिटन बाय विलियम ब्लैक। सो हिज लाइफ पोएम 1757 to 1827. This lecture will be for especially the students, those who are studying BA or BA B.Ed. second year under of the Rajasthan University. Okay, this is the second poem of the poetry section. So let us look about the introduction part of this poem. So let me tell you about the poet and also about the poem. So आज हम देखेंगे कि poet के बारे में तथा poem के बारे में, दोनों विषय को हम बड़े ध्यान से देखेंगे. So let me tell you about very clearly and don't skip. So be patient and watch till end of this poem. So let me tell you about introduction. Black's poem London is one of the poem of song of experience which was published in 1794. Black ka jo ye poem jo London naam hai, aur ye poem jo hai ye ek song of experience, एक पोएम से लिया गया एक पोएम है, और जो कि 1794 में इसको पब्लिश किया गया था. दिस पोएम हैज अफिनिटी विद वर्ड्स फेमस पोएम वेन एवर आई टेक माई वॉक्स अबाउट. ये पोएम जो है वाट का पोएम के साथ थोड़ा मिलता जुलता है, और जो पोएम का नाम इस प्रकार है, वाट एवर आई टेक My walks about, how many poor I see. It seems that both the poets were influenced by the ideology of research. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के दोनों पोएम जो है और दोनों के दोनों पोइट जो है, ये शायद रेस्यू का जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर प्रभावित थे. ये रेस्यू कौन है, ये जो बच्चे ऑलरेडी बीएड पढ़ रहे हैं उनको पता है कि एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, सोशल थिंकर थे, और जिन्होंने सोशल को चेंज करने के लिए काफ़ी और सारा प्रयास किया, और ख़ास करके सोशियोलॉजी में उसके बारे में और बहुत आत रूप से पढ़ाया जाता है. सो लाइक द रिसर्चर्स, दे बिलीव दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मेड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन हार्ड. मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये सामान्य लोगों का जीवन को और भी कठिन बना चुका है, पेनफुल एंड मिसरेबल. खाली उतना ही नहीं बल्कि बड़े दर्दनाक और मिसरेबल बना चुका है. इंडिविजुअल लिबर्टी हैज़ बिन और कॉर्टेल्ड. जो जीवन का जो लिबर्टी है, आज़ादी है, ये बिल्कुल मतलब छोटा पड़ चुका है. ब्लैक In his poem London expose the evil of the city life of London. अपना poem जो London का जो poem है, इस poem से यहाँ पे poet London का जो evil life, दुष्कर्म वाला जो जीवन है उसको संपूर्ण रूप से उजागर करते हैं. He shows the ugly face of the modern civilization. So chimney sweepers, soldiers, prostitute आर द कैरेक्टर्स थ्रो विच ही फाइट्स एट द अर्बन सिविलाइजेशन. उनका जो इस लेख में वो विशेष करके और चिमनी स्वीपर, सोल्जर, प्रोस्टिट्यूट, इन सभी को विशेष कैरेक्टर के रूप में, जो अर्बन सिविलाइजेशन के कैरेक्टर के रूप में दर्शाया है. तो ख़ास करके लंदन में प्रोस्टिट्यूटों का जो मतलब जो वेश्यावृत्ति करते हैं उनकी संख्या कमी नहीं थी,
ऑर्बनाइजेशन बढ़ रहा था और साथ ही साथ वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज बढ़ रहा था, उसी के चलते बहुत से लोग गांव से कंट्री साइड से आकर के शहर में बस रहे थे। तो वो लोग मनोरंजन के लिए इस प्रकार इस वेश्यावृत्ति के काम में लिप्त हो जाते थे और जो सिपाही लोग थे वो भी और बहुत मानसिक तनाव पे आकर के अपना जीवन जी रहे थे। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो चिमनी स्वीपर है, यानी फैक्ट्री के ऊपर जो बड़े बड़े चिमने लगे हुए होते हैं, उन दिनों में कोई मशीन नहीं थी उसको साफ़ करने के लिए, लोग उसको साफ किया करते थे। तो अपने लंदन जो पोएम है, इस पोएम में इन सभी को ही वो एक मेन कैरेक्टर के रूप में वो दर्शाते हैं। देन आफ्टर व्हाट इज सेज हियर, ब्लैक इज ह्यूमनाइज्ड एंड सो ही अटैक्स द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पोअर एंड डाउन फॉलन पीपल। तो ये जो शहर है ये खास करके और उनके बारे में वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से यह गरीब लोग बड़े परेशानी से अपना जीवन को जी रहे हैं। द पोएम हैज फोर स्टांजास, इस स्टांजा हैज फोर लाइन्स, ये पोएम में चारों मतलब स्टांजा होता है और साथ ही साथ और हर जो स्टांजा में फोर फोर लाइन भी होती है। द फर्स्ट लाइन राइम विद द थर्ड एंड द सेकेंड लाइन राइम विद द फोर्थ। द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी, यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम जो होता है वो ए बी ए बी है। जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि कुल मिलाकर के फोर स्टांजा होता है और हर स्टांजा में फोर फोर लाइन होती है और फर्स्ट लाइन का जो राइम है वो थर्ड लाइन में जाके मिलता है और सेकंड लाइन का जो राइम है वो फोर्थ लाइन में जा कर के मिलता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर जैन जो इस प्रकार कमेंट करते हैं, द पोएट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन स्पेस अनहैप्पीनेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटी। ब्लैक लेटर चेंजेस द वर्ड चैटर टू डर्टी इन द फर्स्ट टू लाइन्स। प्रोफेसर जसबीर जैन इस प्रकार कहते हैं कि ये जो पोएम है ये एक डिस्क्रिप्शन है, एक व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? अर्बन स्पेस का व्याख्या है और अनहैप्पीनेस प्रॉपर्टी जो सिटी के अंदर फैली हुई थी इसके एक व्याख्या है। फिर साथ ही साथ ब्लैक जो है और बाद में जो चार्टेड वर्ड को डर्टी में कन्वर्ट करते हैं। द पोएट्रीज नंबर वन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड यूथ, द पोएट फाइंड लंदन प्लेस अनहैप्पी पीपल। तो यहाँ पे और इन सभी ग्रुप के लोगों को और वो नाखुश पाते हैं। पहला तो है पोएट्रीज चाइल्डहुड एडोलेसेंस यूथ, ये सभी जो है नाखुश होकर के अपना जीवन और इस लंदन में गुजार रहे थे। तो एक स्टांजा में वो यही कहते हैं, आई वंडर थ्रू ईच शटर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द शटर्ड थॉम्स टच फ्लो एंड मार्क्स इन एवरी फेस आई मेट मार्क ऑफ वीकनेस मेड ऑफ बॉय। द पॉइंट अटैक द सिविलाइजेशन ऑफ लंदन पीपल। पॉइंट यहाँ पे जो लंदन के सिविलाइज्ड पीपल होते हैं और उनको अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल कंफर्ट एंड लग्जरियस इन देयर लाइव्स द पीपल ऑफ लंदन आर नॉट हैप्पी एट हार्ट। जबकि उनके पास सारा कंफर्टेबल है, जबकि उनके पास सारा लग्जरियस है, ये सब कुछ कंफर्टेबल और आराम ये सब प्राप्त करने के बावजूद भी उनका जो हृदय जो है कैसा नहीं है, खुश नहीं है। देयर वॉइस एंड पेंस हैव स्टिकन देयर फेस पल, उनके जो मुरझाया हुआ चेहरा से ही पता चल जाता है कि वो कितने दर्द को सहते हुए और वो कितने मुश्किल को सहते हुए अपने जीवन गुजार रहे हैं।
द पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज बींग क्रॉस्ड इन द सिविलाइजेशन। और यहाँ पे प्राचीन सभ्यता जो है यह बिल्कुल कुचल दिया जाता है। द सोसाइटी इन लंडन इज करप्ट एंड द सोसाइटी इज सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो लंदन का जो सोसाइटी है ये बिल्कुल करप्ट हो चुका है और साथ ही साथ ये सोसाइटी ही उसके ऊपर विशेष जिम्मेवारी ठहरता है। किस बात की जिम्मेवारी ठहरता है कि आज शहर का जो दशा है वो दशा का जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ उसके ऊपर ही हो सकता है। तो फिर हम और एक विशेष बात को यहाँ पे देखते हैं कि समरी को देखेंगे थोड़ी देर। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट एवर आई सेड दैट वाज एन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पोएम एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समरी ऑफ दिस पोएम देन आफ्टर माय सेकंड वीडियो दैट विल बी लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज अदरवाइज और एनालाइजिंग और कॉन्सेप्ट। सो बात का जो पोएम होगा ये एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट का होगा या तो फिर उसका जो खास करके जो व्याख्या है क्वेश्चन आंसर मेथड है उसका हम देखेंगे। सो लेट्स नाउ लुक अबाउट समरी ऑफ द पोएम। अब हम पोएम का समरी को देखेंगे। तो पोएट रोम्स द स्ट्रीट ऑफ लंदन एंड सीज द पीपल हु लिव देयर। पोएट क्या करता है कि लंदन का जो गली है उसमें घूमता है और घूमते घूमते वो क्या करता है कि जो लोग वहाँ पर होते हैं उनको वो देखता है। ही फाइंड्स देम इन ए सोरोफुल एंड मिसरेबल कंडीशन। वो उनको बड़े दर्दनाक और उनके जो बड़े दुख और दर्दनाक की अवस्था में वो उनको प्राप्त करते हैं। ही सीज देयर पेल एंड विदर्ड फेस। वो उनका जो मुरझाया हुआ चेहरा उसको भली भांति वो देखते हैं। देयर फीचर्स सेवरल एंड देयर पेन एंड सफरिंग। He hears their cries। और पॉइंट यहाँ पे उनके दुख दर्द है ना सफरिंग ये सभी चीज़ों को भली भांति महसूस करते हैं और उसके साथ साथ वो सुनते भी हैं। और दीज आर द स्ट्रीट्स ऑफ द सेम सिटी हुज पीपल आर प्राउड ऑफ देयर डेमोक्रेसी। ये उसी शहर का गलिया है, ये उसी शहर के बस्तियाँ हैं और जो शहर की और अपने डेमोक्रेसी के बारे में लेकर के और बहुत ही घमंड करती है। दे आर प्राउड ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स ग्रांटेड टू देम थ्रू ए रॉयल चार्टर। उस बात को लेकर के घमंड करते हैं कि कुछ विशेष अधिकार जो है उनके चार्टर के द्वारा उनको मिला हुआ है। ठीक है, कुछ चार्टर के द्वारा उनको मिला हुआ है। बट पॉलिटिकल लिबर्टी इज ऑफ नो यूज वन द पीपल आर फोर्स्ड टू लीड पोर एंड अ पेनफुल मिसरेबल लाइफ। ये पॉलिटिकल आज़ादी किस बात की है और ये पॉलिटिकल आज़ादी तब तक सार्थक नहीं होगा और तब तक मतलब ये सफल नहीं होगा जब तक लोग अपने प्रॉपर्टी से मतलब गरीबी से और दर्दनाक वाले जीवन से मिसरेबल वाले जीवन से जब तक ये लोग उभर के नहीं आएंगे तब तक इस आज़ादी का और तब तक की लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। एवरीवेयर ही सीज मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हेल्पलेस कंडीशन। जहाँ कहीं भी देखता है कि बच्चे बूढ़े है ना महिला पुरुष ये सभी एक हेल्पलेस कंडीशन में दिखते हैं। सेवरल प्रोहिबिशंस कम्स टू द कंक्लूशन दैट सॉरी सेवरल प्रोहिबिशन आर इम्पोस्ड टू देम। तो बहुत सारे प्रोहिबिशन यानी मना करे जाने वाले मना करे यानी योग्य कुछ काम जो है और यहाँ पे बार बार लिया जाता है। द पोइट मेडिटेट्स ओवर द कंडीशन। और पोइट यहाँ पे उस कंडीशन उस अवस्था को लेकर के बड़ा चिंतित होता है और साथ ही साथ तो वो मेडिटेट भी करता है ध्यान करता है। ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट द प्रेजेंट सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स
हॉरिबल सिचुएशन। वो फाइनली एक निष्कर्ष में आते हैं कि वर्तमान का जो स्थिति है वो स्थिति सिर्फ ये जो मॉडर्निटी के द्वारा और ये सभी इस प्रकार की परिस्थिति हुआ है, और पूर्ण रूप से वर्तमान की जो सोसाइटी है वही ही इसी काम के लिए, मतलब इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। ये पॉइंट क्या कहने वाली बात है, पॉइंट इस प्रकार कहते हैं, द बेसिस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी इज एक्सप्लॉइटेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस। लेकिन ये सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन सोसाइटी जिस प्रकार ये मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनके बीच में, उसके चलते एक रिजल्ट निकलता है कि ये एक सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय है। आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थाइम्स दस फ्लोन एंड मार्क्स इन एवरी फेस आई मेट, मार्क ऑफ वो वीकनेस, मार्क ऑफ वे। तो ब्लैक यहाँ पे कहते हैं कि ब्लैक यस कॉल ऑफ द चिमनी स्वीपर, और चिमनी स्वीपर के बारे में बताया था, चिमनी स्वीपर कौन होते हैं, जो चिमने होता है फैक्ट्री का, उसको साफ करने वाले चिमनी स्वीपर होते हैं। और उन दिनों में और छोटे बच्चों को ज़्यादा इसमें लगाया जाता था, क्योंकि बच्चे पतले होते थे और बड़ी आसान तरीक़ा से वो उस जो मतलब होल है उसी से होकर के ऊपर तक निकल सकते हैं और बड़ी अच्छी तरीक़े से वो चिमनी को वो साफ कर सकते हैं। इज अ चाइल्ड ही अर्न्स हिज लिविंग बाय स्वीपिंग ए चिमनी। तो एक लड़का के बारे में कहते हैं कि वो अपना जो जीवन का जो रोटी है वो क्या करता है कि चिमनी स्वीपिंग करने के द्वारा वो उसको कमाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट जॉब बट द पोर चाइल्ड हैज टू डू इट फॉर सर्वाइवल। ये बड़े खतरनाक काम है, बड़े कष्ट के काम है, लेकिन फिर भी अपना जीवन को बचाने के लिए और ये बच्चा मजबूरी में आकर के ये काम करता है। द रूट ऑफ चिमनी स्वीपर मेक हिज क्लोथ्स एंड फेस ब्लैक। जो रूट है चिमनी स्वीपर का, और वहाँ पे यदि बच्चा जाता है तो डेफिनेटली वो बिल्कुल काला पड़ जाता है और उसके सारे जो क्लोथ है वो भी काले पड़ जाते हैं। द पॉइंट्स लुक एट द चर्च, पॉइंट अभी चर्च को देखता है। ही इमेजिन दैट चर्च लुक ब्लैक विद शेम और पिटी। चर्च की हालत भी बड़े दुख लज्जा के हालातों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब चर्च में और कोई भी संस्कार बाकी होकर के नहीं रहा, विवाह को एक बस एक कंडीशन के रूप में चर्च ने दे दिया, और साथ ही साथ चर्च में भी इस तरह का कोई मतलब ऐसे कोई विशेष मतलब शिक्षा उपदेश नहीं होना जैसा प्रतीत होता है। द पॉइंट हियर्स द साइट ऑफ सोल्जियर हु हैज लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पर सिपाहियों को देखा गया, ये जो सिपाही लोग हैं बचने के लिए जो भी मतलब उनकी आशा थी वो लगभग लगभग सारी आशाएं जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ही हैज बीन पनिश्ड बाय द रॉयल कोर्ट, और उसको रॉयल कोर्ट के द्वारा समय समय पर पनिश किया जाता है। वो किस लिए, जब उसके जीत नहीं हो पाती तो ऐसे कंडीशन पे कभी कभी उसको रॉयल कोर्ट के द्वारा पनिश भी किया जाता है। वन द पॉइंट टॉक्स इन द स्ट्रीट्स एंड मिड नाइट ही हियर्स द कॉल ऑफ प्रोस्टिट्यूट। जब आधी रात हो जाता है, मिड नाइट हो जाता है, और तभी पॉइंट के कानों में उस प्रोस्टिट्यूट जो है, वेश्याएँ जो है, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। दे हैव नॉट फॉलोड दिस अगली और
प्रोफेशन विलिंगली, वो ये भी कहते हैं कि ये जो लड़कियां है वेश्यावृत्ति करती है, वो अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आए हैं, इट इज़ फोर्स देम बाय द मैरिज लॉस ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी। ये मैरिज लॉ का जो ब्रिटिश सोसाइटी है और ब्रिटिश सोसाइटी का जो मैरिज लॉ से लॉस जो इतना कमज़ोर है, वही चीज़ उनको मजबूर कर देता है। यानी यहाँ पे शायद पॉइंट यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो खास करके शादी ब्याह जो है वो मात्र परंपरा बन करके रह गया, लेकिन लोग जिसे चाहे, मतलब जिसको चाहे, जिसके साथ उनका अपना मतलब मनोरंजन करना होता है, वो उसी के साथ कर सकते हैं। और ख़ास करके उन दिनों में डिवोर्स के मामला भी अधिक से अधिक बढ़ता गया, क्योंकि आधुनिकीकरण होने के द्वारा लोगों को अनुमति भी मिल जाता है कि भाई ये डिवोर्स ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो शादी तो सिर्फ नाम मात्र के एक समझौता बन कर के रह गया, लेकिन लोगों का जीवन जो है कुछ दूसरा है, और ये सब के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वो चर्च को मानते हैं, क्योंकि और सोसाइटी को मानते हैं। अगर चर्च अच्छे शिक्षा देती तो लोगों के जीवन में इस प्रकार का परिस्थिति नहीं होता। सो फ्रेंड्स, सो हियर द पॉइंट थिंक्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द चर्च, बिकॉज चर्च इज नॉट कंडक्टिंग सच यू नो टीचिंग, चर्च इज नॉट यू नो मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज द पीपल वे आर गोइंग थ्रू a different way, especially going through you know negative way. So the church should be you know make the people to understand about purification and holiness. Now the prostitutes, they are also saying they were not willingly doing that job, so they are being forced to do, and that is why they do these things. So now it is our responsibility to understand ourselves, and we should follow to the poet's talk. So the last I would like to read for you. The poet feels that British people are not merely the victims of physical disease, they are suffering from social disease. वो ये कहते हैं ब्रिटिश के जो लोग हैं वो कोई शारीरिक बीमार से मतलब ग्रसित नहीं हुए, बल्कि वो तो सामाजिक बीमार से ग्रसित हो गए। द जेम्स ऑफ द डिजीज ब्रीड इन सोसाइटी, तो उनके अंदर जो जेम्स जो है यानी कीटाणु जो है वो उनके ओर से आ गया, और ये क्या करेगा, पूरा सोसाइटी को ये क्या करेगा कि वो फैला देगा। इट इज इनक्यूरेबल बिकॉज इट इज एन एक्सेप्टेड सोशल कस्टम, एंड सोशल इनजस्टिस इज द कॉज ऑफ ऑल इविल, इट इज द कॉज ऑफ मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, I hope you have understood this video lecture, and I would like to request you, if yet you haven't subscribed my channel, or if newly you are watching my video, so I request you, please subscribe this channel to have a great motivation to my life. Thank you. May God bless you. Have a good day.